स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स का अड्डा उज्जवल गुप्ता में। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया क्वेश्चन लेकर। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है, ये थर्ड प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। और हम लोग ने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही थी और लास्ट टू लेक्चर्स में दो और क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 0 to π x dx, डिनोमिनेटर में आपके पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है इसके इक्विवेलेंट में, पाई स्क्वायर ओवर 2ab। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इवैल्यूएट, आपको क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल 0 to π x dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर आप यहां से कह सकते हो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, पाई स्क्वायर ओवर 2ab। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां से कंसिडर कर लेते हैं। एज यूजुअल अगर आपने लास्ट की दो प्रॉब्लम्स देखी हैं तो आपको पता होगा तरीका। हम लोग यहाँ पर LHS कंसीडर करते हैं और LHS को हम लोग I के इक्वल सपोज कर लेते हैं। I यहाँ पर हमारा कुछ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 to π x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो अब हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप जानते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने क्या एक्सप्लेन करी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास 0 to α एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to α एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, विच मीन्स आपको इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करना है इस प्रॉब्लम में। तो आप क्या करेंगे, आप जहां जहां आप पर आपके पास वेरिएबल है वहां वहां पर आप क्या करोगे, आप कर दोगे ए माइनस एक्स, यानी कि जो आपकी लिमिट है लिमिट से आप उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे। तो आप इसको इक्वेशन वन बना दो और यहां से आप लिखो आई इज इक्वल टू 0 to π माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कहने को तो आप फ्रेंड्स यहां से कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है पढ़ा रखा है कि यहाँ पर सर जब कॉस स्क्वायर हो और साइन स्क्वायर हो तो आप ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो फ्रेंड्स जरूर करा सकते हो, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, लेकिन ये आपका x फंस जाएगा। तो इस x को रिड्यूस करने के लिए हम अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अभी देखिएगा आप, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके पास cos pi माइनस एक्स होता है वो होता है माइनस cos x, लेकिन जब आप इसकी स्क्वायरिंग कर देते हो तो वो आपको कितना मिलता है, cos स्क्वायर pi माइनस एक्स, वो आपको अगेन मिल जाता है cos स्क्वायर x। इसी तरीके से फ्रेंड्स सिमिलरली जो साइन पाई माइनस एक्स आपका होता है वो होता है साइन एक्स। अगर आपकी स्क्वायरिंग इसकी यहां पर करनी है तो आप साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो रिजल्ट अभी हम यहां पर यूज करेंगे यहां पर। तो आपको देखो किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर मिलेगा 0 to π माइनस एक्स डॉट डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कैसे मिला ये हमें, ये हमें मिला यहाँ पर ये रिजल्ट्स को यूज करके। ये आपने पढ़ रखे हैं कि cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स जब आपका होता है तो आपको क्या मिलता है रिजल्ट, cos स्क्वायर एक्स। एंड जब आपके पास sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स होता है तो आपको मिलता है sin स्क्वायर एक्स। अब आप इसको फ्रेंड्स इक्वेशन टू बना दो और अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो रखे हैं, सेम हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए फ्रेंड्स, सेम हो गए। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर लो और वहां से देखो आपको क्या आसान होकर मिल रहा है रिड्यूस होकर। तो यहां से आप लिखोगे LHS को LHS के साथ ऐड करो, I प्लस I इक्वल टू 0 to π x dx। पहले आप पहला इंटीग्रल लिखोगे उसके बाद आप सेकंड इंटीग्रल। तो cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 0 to π, यहां पर आप लिख लो इसको पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आप देख सकते हो कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है एंड जो आपकी लिमिट है 0 to π दोनों इंटीग्रल्स में सेम है एंड आपका ऑपरेटर भी सेम है। तो जो चीज सेम है उसको आप एक बार लिख लो, तो यहां से आपको मिल गया ये 2i इक्वल टू 0 to π, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपने लिख लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। और आपके पास यहां से आपको मिलेगा x प्लस पाई माइनस एक्स
तो ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ये प्लस की वैल्यू है और एक ये माइनस की वैल्यू। अब इस इंटीग्रल से पाई को बाहर निकालो विच इज कॉन्स्टेंट, तो पाई आपका बाहर आ गया तो आपका रिड्यूस होकर मिला 0 to π dx ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से आप इसको डब्बे में पैक करके इक्वेशन 3 बोल दो। ऐसा हमने क्यों किया ये मैं बताता हूं आपको, फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये 2i = π इंटीग्रल 0 to π dx ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इक्वेशन 3 क्यों सपोज करा। अब अगर आप फ्रेंड्स यहां से देखो तो इसमें जो है आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, वो चेंजेस क्या होंगे, आप यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। यहां पर आप लिख लो ऑन डिवाइडिंग बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ये आप काम जब करोगे तो ये आपको रिड्यूस होकर मिलेगा 2i = π 0 to π 1 ओवर cos² x / a² cos² x / cos² x। यानी कि हमने क्या किया, हमने ईच टर्म में 1 ओवर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लिया। उसके हमें फ्रेंड्स फायदे होंगे, क्या फायदा होगा कि आप cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x को कैंसिल कर दोगे और आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा sec स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहां से आपको मिलेगा 2i = π 0 to π sec² x dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स मेरी बोर्ड की जगह भर गई है इसलिए मैं इस इक्वेशन को डब्बे में पैक कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं आपको जो है आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या करने में जा रहा हूँ। ये आपका हो गया यहाँ तक, इसको आप इक्वेशन 4 बोल लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ कर दिया। अब हमारे पास जो डब्बे में बचा हुआ है उसको मैं एक बार और आपको सॉल्व करके समझाता हूँ कि ये क्या हुआ है। ये जो आप डब्बे में देख रहे हो इसको अगर आप fx बोलो, इसको अगर आप fx बोलो तो fx आपके पास कितना है, fx इस समय आपके पास है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके पास। अब आप यहां पर चेक करोगे कि ये फंक्शन जो है आपका ऑड टर्म है या इवन टर्म है, क्योंकि एक आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की और प्रॉपर्टी बताई थी उससे आपको कुछ सिंपल होकर मिलेगा या फिर उससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम ये कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखो तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था 0 to 2a fx dx, इसकी वैल्यू हो जाती है ट्वाइस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx। कब, जब आप करते हो f ऑफ 2a माइनस x, या आपको कितना मिल जाता है fx। तो इस रिजल्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और देखेंगे क्या ये हो रहा है। अगर हम लोग को 0 to अगर हम लोग को फंक्शन में f2a माइनस x करने पर fx फिर से मिल जा रहा है तो हम लोग ये प्रोसेस यहां पर कर लेंगे, ये वाली प्रोसेस यहां पर इस वाले इंटीग्रल में हम लोग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो आगे क्या हो रहा है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करने पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे f ऑफ पाई माइनस x, तो आप चेक करो जरा sec स्क्वायर पाई माइनस x ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस x। तो मैं यहां पर आपको सिंस हमें पता है कि जो sec पाई माइनस x होता है वो होता है माइनस sec x, लेकिन अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड तो स्क्वायरिंग करने पर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा sec स्क्वायर x, और ये अगर आप एग्जामिनर को इंडिकेट करके दिखाओगे ना तो और अच्छा इंपैक्ट आएगा। अगर ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें जो न्यूमेरिकल में मैं आपको बार बार बीच बीच में इंटरप्ट करके समझाता हूँ ये फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करें, तो अगर आप ये चीजें एग्जामिनर को करके दिखाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो आपको पूरे में पूरे नंबर ही देगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इन दोनों रिजल्ट का, एक ये रिजल्ट हुआ यहाँ पर और एक ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट को अगर हम यहाँ पर रखें तो देखो हमें क्या मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा,
अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप इसको एक बार अपनी नोटबुक पर जरूर करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sec square x over a square plus b square tan square x, यानी कि जब आपने f over pi minus x किया तो आपको फिर से क्या मिल गया fx। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये आपके पास ये जो इक्वेशन 4 था ये रिड्यूस होकर कितना मिलेगा आपके, आपको ये आपको मिलेगा 2i इक्वल टू ये जो आपका पाई लिखा हुआ ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ट्वाइस हो जाएगी इंटीग्रल की वैल्यू और लिमिट हो जाएगी आपकी हाफ। अभी लिमिट आपके पास कितनी है, 0 टू पाई है, अब कितनी हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 एंड ये आपका इतना ही रहेगा फंक्शन sec स्क्वायर x dx ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। तो ये 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, अब आपको i इक्वल टू मिल गया पाई 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx। अब फ्रेंड्स अगर आप यहां से b स्क्वायर कॉमन करो, b स्क्वायर कॉमन करने का मतलब यहां पर ये हुआ कि आप जो है यहां पर तो b स्क्वायर है नहीं आपके पास, a स्क्वायर के पास, तो जब कोई चीज किसी टर्म के पास नहीं होती तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। जब आप इन्हीं दो नंबर से कॉमन निकाल लो, जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर और मुझे यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकालना, तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा क्योंकि इसके पास बी स्क्वायर है नहीं, तो ये बी स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा और उससे आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, तो यहां से जब आप बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हो अब यहां पर पाई ओवर बी स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है। अब आपको केवल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्योंकि आप जानते हो अगर आप tan x को t सपोज करो और सब्स्टिट्यूट करो उसको डिफरेंशिएट करके, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और ये आपका बहुत आसानी से फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर का आई होप सो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और वहां से हम लोग फिर से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स बोर्ड छोटा है इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, मुझे बार बार रफ करना पड़ता है, तो आप जैसे जैसे होता जाए करें आप उसको नोट करते रहा करें साथ साथ में। तो यहां पर आप देखो आप क्या मिलेगा आपको, आपने क्या करा यहां से अज्यूम कर लिया लेट tan x इज इक्वल टू t, tan x इज इक्वल टू जब आपने t सपोज करा और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया d ओवर dx tan x इज इक्वल टू d ओवर dx dt, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपको जो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, dt मिलेगी। अब आप अगर लिमिट्स की बात करो तो when x is equal to 0, when x is equal to 0 तो आप यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर tan 0 is equal to t यानी कि आपको t की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 एंड when x is equal to pi by 2 तो आप रख के देखोगे तो कितना मिलेगा आपको tan pi by 2 equal to t, tan pi by 2 आपका infinity होता है। तो when x is equals to 0, t is equals to 0 and when x is equal to pi by 2, then t equal to आपका infinity बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, या होप सो आपको लिमिट चेंज करना समझ में आया होगा। तो अब आपका ये टर्म जो है कैसे रिड्यूस होकर आपको नेक्स्ट टर्म में मिलेगा, देखिए ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये आपको मिलेगा i is equals to pi over b square, जीरो की जगह पर आपको जीरो ही रखना है एंड जब आपकी लिमिट पाई बाई 2 हुई है तो वहां पर आपको इन्फिनिटी कर देना है। sec स्क्वायर x dx की जगह पर आपको केवल लिखना है dt एंड इसको लिखना है आपको a अपॉन b का होल स्क्वायर इस टर्म को और वो आपका हो जाएगा t स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा पहले से ही कि dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये वैल्यू होती है 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले आपको पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो i इज इक्वल टू आपके पास अब ये फॉर्मूला यहां से जब आप ओपन करोगे तो ये मिलेगा 1 ओवर a tan इनवर्स x की जगह पर यहां पर t यूज हुआ है तो t ओवर a ओवर b, आपके पास लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। और आपको अपना रिजल्ट नहीं भूलना है, आपको शायद रिजल्ट में प्रूफ करके ये लाना था पाई स्क्वायर ओवर 2ab, तो एक हिसाब से आपको अपने रिजल्ट में भी नजर बनाए रखनी है। तो ये b से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा पाई ओवर ab
अब आप क्या करो, यहाँ पर पहले एक बार अपर लिमिट रखोगे तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी ओवर ए ओवर बी माइनस टैन इनवर्स जीरो। तो आपको पता है टैन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और टैन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी डिवाइड करते हो तो आपको इन्फिनिटी मिलता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई ओवर ए बी, ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस जीरो। तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, टैन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है टैन पाई बाई टू। जब टैन से टैन आपका कैंसिल हो जाएगा तो वो आपको कितना मिलेगा, पाई बाई टू। तो आई इज इक्वल टू पाई ओवर ए बी इंटू पाई बाई टू। तो अब आप फ्रेंड्स यहां से देखो तो पाई बाई पाई और पाई का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड टू ए बी, जो कि आपका रिक्वायर्ड प्रूविंग था, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप सो क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैंने क्वेश्चन के हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए समझाने की कोशिश करिए कैसे आपको ये रिजल्ट लाके दिखाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थर्ड, जो कि आपसे कह रही थी कि आप प्रूफ करके दिखाओगे वहां पर कितना आपको लाना था, पाई स्क्वायर ओवर टू ए बी। क्वेश्चन था आपका जीरो टू पाई एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे घर पर अपने आप से, और बताइए फिर मुझे कहाँ पर आपको समझने में समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगा जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं ऐसे टॉपिक्स पर तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग मैथ्स का अड्डा उज्ज्वल गुप्ता।